कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री मोदी ध्यान साधना में लीन हो चुके हैं। 45 घंटे के ध्यान में प्रधानमंत्री अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और इस पूरे मामले पर आपको ताजा अपडेट दें, जहां कन्याकुमारी में ध्यान में लीन प्रधानमंत्री मोदी, पीएम मोदी का 45 घंटे का ये ध्यान है। और ध्यान कहाँ है? विवेकानंद शिला में ध्यान में लीन है प्रधानमंत्री। 1 जून तक ध्यान लगाएंगे प्रधानमंत्री, जहां पर विवेकानंद ने साधना की, ध्यान के लिए तपस्या की, ठीक वही जगह है जो उन्हीं की स्मृति में बनाई जगह है। वहां पर 45 घंटे की ध्यान साधना का व्रत लेकर के पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। आज दूसरा दिन है, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, 45 घंटे का ये ध्यान है। विवेकानंद शिला पर ही ध्यान में लीन है प्रधानमंत्री मोदी। आपको बताते चले, 1 जून तक ध्यान करेंगे पीएम मोदी। कल से तस्वीरें जो आई, आज भी आप देखिए, जहां पर कन्याकुमारी ये जगह, स्वामी विवेकानंद ने ध्यान की तपस्या, वहीं पर इस वक्त प्रधानमंत्री हैं। हमारे दो सहयोगी अभिषेक और नीरज दोनों इस वक्त मौजूद हैं कन्याकुमारी में। उन दोनों से जानकारी लेते हैं कि किस तरीके की तस्वीरों के साथ किस तरीके की जानकारी आ रही है, और लोगों को भी बताएं कि इस ध्यान तपस्या की क्या खास चीजें हैं और आज का दिन कैसे अहम है। अभिषेक, आपसे शुरू कर रहे हैं। श्रीलता, ये समुद्र के किनारे कन्याकुमारी में विवेकानंद का जो रॉक मेमोरियल है, यहाँ पर प्रधानमंत्री की जो ध्यान साधना चल रही है, वो ध्यान साधना पूरी तरह से जो भारत की वैदिक परंपरा है, जो भारत की शाश्वत अद्वैत की परंपरा है, वो उसी अद्वैत की परंपरा की झंकृति है। और आप सोचिए, जहाँ पर साल 1892 में स्वामी विवेकानंद ने जहाँ पर ध्यान साधना 3 दिन और 3 रात तक के लिए की थी, वहाँ से ये उसका संदेश है। और सबसे अहम बात है, ये इस ध्यान साधना की जो विशेषताएँ हैं, जो उसका इस ध्यान साधना का जो पूरा रूप और प्रतिरूप है, अगर उस पर हम ध्यान देते हैं, तो ये सभी वेदों का समुच्चय है। इसमें यजुर्वेद का के अंश हैं, इसमें अहम ब्रह्मास्मि यजुर्वेद उसका अंश है, इसमें तत्वमसी सामवेद का अंश है, इसमें प्रज्ञान ब्रह्म ऋग्वेद का अंश है, और इसमें अहम आत्मा ब्रह्मा अथर्वेद का अंश है। इन चारों वेदों का जो सार है, जो आत्मा और ब्रह्म के अद्वैत को लेकर के आगे बढ़ता है, ये उसी अद्वैत की प्रतिध्वनि है। और जब प्रधानमंत्री यहाँ पर साधना कर रहे हैं, तो ये दक्षिण, सुदूर दक्षिण का किनारा है, भारत की भौगोलिक सीमा यहाँ पर समाप्त होती है। इस सुदूर दक्षिण के जो स्थल सीमा है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो इस स्थल सीमा का सुदूर दक्षिण के किनारे से लेकर के और उत्तर में हिमालय तक, पूरी तक, गोवर्धन तक, सुदूर दक्षिण से उत्तर, पूर्व, पश्चिम, जो भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा है, जो वेद मंत्रों से अभिसिंचित है, ये उसी का यहाँ से निनाद है, उसी की प्रतिध्वनि है। तो इसके मायने सामाजिक भी हैं, इसके मायने धार्मिक भी हैं, इसके मायने सांस्कृतिक और इसके मायने राजनैतिक भी हैं, क्योंकि धर्म को राजनीति से आप अलग नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल अभिषेक, जो आप बात कह रहे हैं, लेकिन एक तरफ, दूसरी अगर पहलू पर जाएं राजनीति की, तो आइए नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज के पास भी पूरा शेड्यूल है, जानकारी है। आज नीरज, जिस तरीके से ध्यान की तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर आप मौजूद हैं, उन तस्वीरों में भले ही शांति है, लेकिन दूसरी तरफ उतना ही शोर है पूरे देश में सियासी। कल का शेड्यूल क्या रहने वाला है और किस तरीके की जानकारी आपके पास है, जरा डिटेल्स दें। देखिए, आज की जो जानकारी ये है कि आज भी साधना का जो 3 पार्ट में होना है, एक जो मॉर्निंग पार्ट है, मॉर्निंग में सुबह उन्होंने बहुत भोर में, यानी कि सूर्योदय के समय से अपनी साधना शुरू की, सूर्योदय को उन्होंने देखा। उसके बाद दूसरा पार्ट होगा जो दोपहर का पार्ट होगा, दोपहर में वो साधना करेंगे, थोड़ी देर के लिए विश्राम करेंगे और फिर सूर्यास्त के समय भी वो साधना करेंगे। तो ये 3 पार्ट में आज साधना होनी है और करीब ये 45 घंटे की जो साधना है उसका ही ये हिस्सा है। इसके अलावा रात्रि में थोड़ी देर के लिए विश्राम करेंगे और उसके बाद फिर सुबह से वही प्रक्रिया शुरू हो जाएगा और कल 3 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से रवाना होंगे। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़, एक बात मैं आपको बता दूं, इस समय रॉक मेमोरियल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, उस समय पर्यटकों के लिए रॉक मेमोरियल का एक हिस्सा खोल दिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर इस समय कि रॉक मेमोरियल में आम लोगों को जाने की इजाज़त दे दी गई। अभी फिलहाल 3 फेरी सर्विसेस गई हैं जिनमें लोग पहुंचे हैं। और आपको अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं, तो रॉक मेमोरियल की सीधी तस्वीरें यहां से आप देखिए, जिसमें कॉमन लोग अभी फेरी सर्विस के जरिए उतर रहे हैं और वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन रॉक मेमोरियल का लगभग 2/3 हिस्सा खोला गया है, एक वो हिस्सा अभी भी रोका गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना कर रहे हैं।
उस एरिया को छोड़कर वहाँ पे एसपीजी के जवान और लोकल तमिलनाडु पुलिस के जवान मौजूद हैं, कुछ कमांडोज वहाँ पे हैं ताकि उस एरिया में कोई कॉमन आदमी जा ना सके। गर्मी के बीच सुंदर तस्वीरें आपने दिखाई और ध्यान से जुड़ी अभिषेक और नीरज की इन दोनों तस्वीरों के लिए शुक्रिया, जानकारी के लिए शुक्रिया। बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव में बंगाल में हिंसा का दौर लगातार जारी है। अब आपको बताएं, टीएमसी और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत की खबर है। इस झड़प में 4 लोग जख्मी भी हुए हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हिंसा हुई है दक्षिण 24 परगना में, जहां कल वोटिंग होनी है। हिंसा वाला इलाका जादवपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है और यहीं पर टीएमसी और लेफ्ट के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मंदिर दर्शन पर हैं। आज सुबह उन्होंने तिरुपति बालाजी में पूजा अर्चना की, शाम को वो गुजरात के सोमनाथ मंदिर में पूजा करेंगे। तो देखिए, ये तस्वीरें आई तिरुपति बालाजी दर्शन पूजन की, जहां गृह मंत्री अमित शाह आशीर्वाद लेते नजर आए। और आज शाम की अगर हम बात करें तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में वो पूजा करेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे। तो आज सुबह की तस्वीर आ गई, शाम को सोमनाथ मंदिर से तस्वीर आएगी, जहां पत्नी के साथ पहुंच करके मत्था टेका, आशीर्वाद लिया तिरुपति बालाजी, जहां आप देख सकते हैं। और अब अगला कार्यक्रम है गुजरात में सोमनाथ मंदिर जाकर के आशीर्वाद मांगने का। तो दक्षिण में ये तस्वीर आती है तिरुपति बालाजी, जहां गृह मंत्री अमित शाह पत्नी के साथ जाकर के पूजा पाठ करते हैं और सोमनाथ गुजरात में भी वो पूजा करेंगे। जहां दिल्ली में पानी की कमी को लेकर सियासी घमासान है, ये ग्राउंड की तस्वीरें आप पीछे देख रहे हैं एलईडी पर, और पानी के संकट को लेकर के बीजेपी आम आदमी पार्टी आमने सामने आ चुकी है। दिल्ली में बीजेपी ने पानी का जो कमी का हवाला दिया है उसे लेकर प्रदर्शन की तस्वीरें आई हैं, जहां कहना यह है कि बीजेपी प्रदर्शन कर रही है जोरदार तरीके से। दिल्ली के लोगों को पानी की कमी क्यों, पानी के लिए ये हाहाकार क्यों, ये सवाल उठाते हुए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त सड़क पर हैं और कहना है कि आखिरकार बिजली आपूर्ति क्यों नहीं, पानी आपूर्ति क्यों नहीं। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में इस वक्त हाहाकार, बीजेपी नेता सड़क पर उतरे हैं। दिल्ली में पानी की किल्लत और जोरदार प्रदर्शन बीजेपी की ओर से, आपके खिलाफ ये प्रदर्शन है। पानी की कमी को लेकर के लोगों से लेकर इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। निधिशी का रुख करते हैं और जानकारी लेते हैं कि आखिर किस तरीके की तस्वीरें हैं, क्या कंडीशन है और क्या मांग लेकर के तमाम कार्यकर्ता और आम लोग सामने आए हैं। निधि, दिल्ली में हर दिन गर्मी रिकॉर्ड हो रहा है, पानी की किल्लत पिछले कई हफ्तों से चल रहा है। मैं खुद कई इलाकों में जा चुका हूँ जहाँ पर लोग टैंकर के पीछे दौड़ रहे हैं। इस वक्त उसी पानी की किल्लत को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी के प्रदर्शन चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक जुटे हुए हैं और इस भीषण गर्मी में एक तो इनकी भी सराहना करनी पड़ेगी कि प्रदर्शन करने के लिए सभी यहाँ पर जुट गए हैं। और अब मैं सीधा इन्हीं कार्यकर्ताओं से बात करती हूँ कि एक तो पानी की किल्लत है और उसके पीछे ये राजनीति करने की जरूरत आप बीजेपी को क्यों पड़ी। भारतीय जनता पानी, क्योंकि जनता जो है हमारी जनता, हम लोग जनता भी तो है, हम लोग जनता भी तो है। अगर बीजेपी से है तो क्या हुआ, एक हम इंसान तो है, पानी तो सभी को चाहिए। जब हम एरिया में रहते हैं तो पानी तो सभी को चाहिए ना, राजनीति की तो बात ही नहीं है। बेसिक चीजें तो चाहिए ना, पानी तो चाहिए, और पानी तो आता ही नहीं है, और आता है तो गंदा पानी आता है, तो इंसान कहाँ जिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर हरियाणा से पानी आ जाए तो बीजेपी को आज के प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कभी तो कहते थे पंजाब से आ जाए, पंजाब से भेज दे, कहीं जहाँ पर है वहाँ से तो भेजे। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे वो राजनीति कर रहे हैं, दिल्ली की जनता परेशान है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से यही कहना है कि गर्मी को देखती है 52% तापमान में यहाँ पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ जनता तराई तराई कर रही है, पानी के लिए घंटों घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। इस दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली का क्या होगा, यहाँ जब पानी ही नहीं मिलेगा तो मनुष्य कैसे अपना पालन पोषण करेगा। अरविंद केजरीवाल ने क्या पानी रोक रखा है, पानी ये सरकार ही पानी के नाम पे आई थी और पानी ही नहीं मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ कार्यकर्ता नहीं आए यहाँ पे, यहाँ पे दिल्ली की जनता भी आई है, जिसका मुख्य मुद्दा पूरे देश में अरविंद केजरीवाल पानी और बिजली के नाम से जाने जाते हो और दिल्ली के दिल्ली की जनता प्यासी हो, इससे शर्म की बात क्या है।
जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में आई है, अरविंद केजरीवाल ने पानी के ऊपर कोई काम ही नहीं करा। आज भी दिल्ली देहात में टैंकरों से पानी पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, जबकि पानी पहुंचता नहीं है। कोई नई पाइपलाइन नहीं दबी, कोई नया वाटर टैंक नहीं बनाया। दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार फेल रही है पानी के ऊपर। तो इतना गंदा आता है पानी, अगर आता है तो इतना गंदा और कीड़े वाला आता है। मैंने खुद ये कंप्लेंट करी है। सीधी सी बात है, वो सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं करते। और सरकार ऐसी होनी चाहिए जो बातें कम करे और काम ज्यादा करे। पब्लिक को वैसी सरकार पसंद है। कुल मिलाकर यहाँ पर बीजेपी का कहना है कि जो टैंकर माफियाओं के जरिए दिल्ली में लूट का खेल चल रहा है, और वीरेंद्र सचदेवा ने भी यही कहा है कि टैंकर माफियाओं को की घुसखोरी जो है वो बढ़ गई है दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल जिस पानी के मुद्दे को लेकर सरकार में आए थे, वो पानी का किल्लत आज से कुछ साल पहले जिस तरह था वो और ज्यादा बढ़ गया है। तो बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रही है। सीधी तस्वीरें आप मंच पर इस वक्त बांसुरी स्वराज है जो कि नई दिल्ली से लोकसभा उम्मीदवार भी है। तमाम जो दिल्ली बीजेपी के चेहरे हैं वो सभी पहुंचे हुए हैं इस प्रदर्शन में अरविंद केजरीवाल। ये तो ताजा तस्वीरें हैं जो आप दिखा रही हैं, लेकिन एक और रिपोर्ट है जिससे बैकग्राउंड की क्लैरिटी मिल जाएगी दर्शकों को। आप बने रहे इन तस्वीरों के साथ, लेकिन हम आपको बताएं कि पूर्वी दिल्ली में जैसे ही पानी का टैंकर पहुंचता है लोगों में होड़ सी मच जाती है, सुबह से लंबी लंबी लाइन लग जाती है। हमारी सहयोगी निधि श्री की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली इन दिनों गर्मी से त्राहिमाम कर रही है और पानी की किल्लत सबसे ज्यादा इन दिनों दिल्ली में देखने को मिल रही है। और ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, एक वाटर टैंकर और उससे पानी भरने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। अशोकनगर के ये तमाम लोकल्स हैं जिनको आप देख रहे हैं, कितना मुश्किल होता है डेली हर दिन पानी भर के लेकर। मुश्किल की बाल्टी ले हौजे आता है कि सॉरी बाल्टी ले फेंक देता है, बाल्टी ले फेंक देता है बेटा, या ऐसे करके पानी नहीं देता है। कौन है ये किशोरी? किशोरी और ड्राइवर है। अच्छा, क्यों ऐसा करता है वो? अब क्या कहे बेटा, पानी का तो बहुत ही लत है। भाई ये देखिए जरा, अब इस तरीके के गैलेंस ये सभी भरेंगे, और चूंकि ये टैंकर हर दिन एक सीमित समय के लिए आता है, और ऐसे में इस आसपास के जो इलाके हैं यहाँ से सबके घरों में गंदा पानी है, और यही वजह है कि पानी की किल्लत है, पीने को पानी साफ मिलता नहीं है और ये पानी के लिए इंतजार करना पड़ता है। तो ये गैलन में कितना लीटर पानी है? 10 लीटर। कितना कैसे काम चलेगा इस गैलन? एक हफ्ता काम चलाऊंगा। एक हफ्ता 10 लीटर पानी में? और आरो का पानी पीता हूँ, इससे खाना उना बनाता हूँ जी। ये जो टैंकर है ये हर दिन आता है या कभी कभी? केजरीवाल सरकार, ये वो सरकार है जो हमेशा वचन देती थी मुफ्त पानी के, आज दिल्ली बूंद बूंद के लिए तरस रही है। तो बांसुरी स्वराज को सुन रहे थे आप, जहां पर लोगों का और कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट चल रहा है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। उनका कहना है ये दिल्ली है जो पानी और बिजली के मुद्दे पर सरकार को लेके आती है, वहीं पर जनता पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तरस रही है। गर्मी के कारण दिल्ली को जो जल संकट का सामना करना पड़ रहा है, इसी बीच अरविंद केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसे ही देखते हुए एक याचिका दायर की है। देखिए, केजरीवाल सरकार ने अपनी याचिका में मांग की है कि जल संकट को देखते हुए हरियाणा, यूपी, हिमाचल प्रदेश से 1 महीने के लिए अतिरिक्त पानी मिले। दिल्ली सरकार ने ये याचिका ऐसे समय पर दायर की है जब जल संसाधन मंत्री आतिशी ने हाल ही में बीजेपी शासित राज्य हरियाणा पर दिल्ली के हिस्से का यमुना जल रोकने का आरोप लगाया था। दीपक रावत हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस याचिका में और क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या आधार है। दीपक जरा बताएं और समझाएं। देखिए, लगातार दिल्ली सरकार ये कह रही थी कि हरियाणा से जो पानी छोड़ा जाता है दिल्ली के लिए और जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचता है वो पानी में कटौती की जा रही है। सरकार, हरियाणा सरकार पर सीधा आरोप लगाया गया, कहा गया कि हरियाणा से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, जिसके बाद से कल आतिशी जो कि जल मंत्री है उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट गुहार लगाई है दिल्ली सरकार ने और सीधे तौर पर कहा है कि एक स्टेट से नहीं बल्कि 3 स्टेट से, हरियाणा, यूपी और हिमाचल, इन 3 स्टेट से अगर पानी 1 महीने के लिए अतिरिक्त दे दिया जाता है तो 1 महीना जो कि भीषण गर्मी का वक्त है, जून का महीना, इसमें जिन लोगों को पानी की किल्लत झेलनी पड़ रही है कम से कम वो नहीं झेलनी पड़ेगी। तो इस 1 महीने के लिए ये कहा गया है कि इन 3 राज्यों से पानी पहुंचाया जाए। हालांकि दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने सीधे तौर पर ये कहा था कि जो पानी आमतौर पर आता है वो भी नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे में वो पानी भी आना चाहिए और इसके अलावा अतिरिक्त पानी की भी मांग की गई है।
बिल्कुल, अब इस याचिका से पानी की डिमांड को लेकर दिल्ली वालों को कितनी राहत मिलेगी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन दिल्ली की जनता पानी की कमी से बेहद परेशान है। लोग राहत की उम्मीद सरकार से लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई हल लगता दिखता नहीं है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों एक दूसरे को हालात के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। एक इमरजेंसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। इस इमरजेंसी सिचुएशन के दो कारण हैं, एक जो दिल्ली में हीट वेव चल रही है और दूसरा जिस तरह हरियाणा से यमुना का पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो सभी दिल्ली वासियों से अपील है कि इस आपातकालीन परिस्थिति में, इस इमरजेंसी सिचुएशन में सरकार के साथ कोऑपरेट करें, जितना कम से कम हो सकता है उतना पानी का इस्तेमाल करें, किसी भी प्रकार के पानी का वेस्टेज ना करें। जब सब दिल्ली वाले साथ आएंगे तभी हम इस जल संकट का सामना कर सकेंगे। जल संकट अरविंद केजरीवाल के कुप्रबंधन का नतीजा है। मैं आंकड़ों के साथ साबित कर सकता हूं कि दिल्ली को 1049 पानी क्यूसर पानी हरियाणा दे रहा है और लगातार दे रहा है, लेकिन इन लोगों का हालत वही है कि इनका जो 53% पानी सिर्फ बर्बाद इसलिए होता है कि इनको रखरखाव नहीं कर सकते। दिल्ली पे 2000 रुपए का जुर्माना लगा रहे, जुर्माने नहीं लगा रहे, ये भ्रष्टाचार का एक और कारण बना रहे हैं। टैंकर माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं, फर्जी टैंकर कागजों में चढ़ाए जाएंगे और उसके पैसे खाए जाएंगे। दिल्ली में पानी का संकट नहीं है, दिल्ली में कुप्रबंधन का संकट है, इनकी नीयत नहीं है। अरविंद केजरीवाल का हर विधायक टैंकर माफिया के साथ मिलकर पानी बेच रहा है। जो पानी दिल्ली को फ्री मिलना चाहिए था, फ्री तो छोड़िए, ये पानी बेच के पैसा कमा रहे हैं, ये दिल्ली को लूटने का काम कर रहे हैं। बड़ी खबर बिहार से है। बिहार में बीते 3 दिन में गर्मी से 44 लोगों की मौत हो गई है। औरंगाबाद में ये आंकड़ा 16 है। 16 लोगों की जान हीट वेव में गई है। बिहार के भोजपुर में गर्मी से 10 लोगों की मौत हुई है। बक्सर और नालंदा में 5-5 लोगों की हीट वेव में जान जाने की रिपोर्ट है। बड़ी खबर बिहार से, 3 दिन के भीतर 44 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। सबसे डराने वाला आंकड़ा औरंगाबाद से सामने आया, 16 लोगों की मौत हो गई। बिहार के भोजपुर में गर्मी से 10 मौत और बक्सर नालंदा में 5-5 जिंदगियां हीट वेव में खत्म हो गई। बिहार में गर्मी और लू का ये प्रकोप देखिए, 3 दिन के भीतर हीट वेव से 44 लोगों के मौत का आंकड़ा सामने आया है। जहां पर लोकेशन वाइज आप कंडीशन देखिए। इसी बीच तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, बिहार में एनडीए सरकार ही हठधर्मिता के कारण भीषण गर्मी में स्कूल खोलने से छात्र छात्राओं शिक्षकों की मौत की खबर है। विपक्ष के दबाव में एक दिन पहले स्कूल बंद किए गए, लेकिन फिर इस जानलेवा गर्मी में शिक्षकों को स्कूल आने के कड़े निर्देश भी दिए गए। जब छात्र ही स्कूल में नहीं रहेंगे तो शिक्षक क्या करेंगे। इस भीषण गर्मी में शिक्षकों को अवश्य ही छुट्टी देनी चाहिए। बिहार की एनडीए सरकार शिक्षकों के प्रति ऐसे अमानवीय निर्णय क्यों ले रही है। मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल वातानुकूलित कमरों में यानी एसी कमरों में आराम फरमा रहा है, तो शिक्षकों की जान लेने पर आमादा क्यों। ये बड़ा पोस्ट लिख करके एक्स पर पे तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं। नीतीश को सीधे कोट करके पूछा है कि पूरा मंत्रिमंडल एसी कमरों में है जब स्कूल बंद है, तो टीचर्स को इस गर्मी में स्कूल में क्यों बुलाया जा रहा है, क्या काम है ऐसा, शिक्षकों के प्रति ये अमानवीय निर्णय क्यों ले रही है सरकार, इसे लेकर के उन्होंने सवाल उठाए। आपको बताया कुछ दिन पहले ही स्कूल बंद करने का फैसला सामने आया, उससे पहले भी तेजस्वी ने ये सवाल उठाया था कि आखिरकार स्कूल क्यों खोला जा रहा है इस हीट वेव में। लेकिन अब दूसरा सवाल तेजस्वी यादव की ओर से है कि जब बिहार में हीट वेव से 44 लोगों की मौत का आंकड़ा है, तो शिक्षक स्कूल क्यों जा रहे हैं जब बच्चों की छुट्टी है। ऐसा क्या काम है कि बच्चों की छुट्टी के बावजूद शिक्षकों को बुलाया जा रहा है जबकि पूरा मंत्रिमंडल एसी कमरे में है। तो देखिए, बिहार में स्कूल तो बंद कर दिए गए लेकिन शिक्षकों को राहत नहीं दी गई। शिक्षकों को सुबह 6 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक स्कूल जाना है। शिक्षकों की मांग है कि उन्हें भी राहत दी जाए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। देखिए हमारे सहयोगी शशांक की ये ग्राउंड रिपोर्ट। भीषण गर्मी एवं हीट वेव को देखते हुए सीएम नीतीश के आदेश पर चीफ सेक्रेटरी ने सभी जिला अधिकारियों को चिट्ठी जारी की और आदेश दिया कि जो प्राइवेट और जो सरकारी स्कूल हैं एवं जो निजी कोचिंग संस्थान हैं, जो आंगनबाड़ी हैं, वहां पर 30 मई से 8 जून तक शिक्षण कार्य बंद रहेगा। लेकिन कल शाम होते होते शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी
जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और ये आदेश दे दिया कि सिर्फ बच्चों के लिए स्कूल बंद रहेंगे, शिक्षकों को स्कूल आना होगा। अब कहा जाए तो एक तरह से सीएम के आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। हम पटना में देखिए आदर्श बालक मध्य विद्यालय परिसर में हैं, यहाँ पर शिक्षक स्कूल आए हुए हैं, सर भी हैं, ये लोग बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आज बच्चे नहीं आए हैं क्योंकि बच्चों के लिए स्कूल बंद है। ये आदर्श बालक विद्यालय यारपुर है, सभी टीचर्स यहाँ आपको नजर आ रहे हैं, स्टाफ रूम में बैठे हुए हैं। इन लोगों को कॉपी जांचने का आदेश दिया गया है, जो गैर शिक्षण कार्य हैं उसका जो है निष्पादन करना है। तो यहाँ पे भी देखिए टीचर्स यहाँ स्टाफ रूम में नजर आ रहे हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन गर्मी काफ़ी है। वैसे देखिए यहाँ पे पंखे की व्यवस्था है, पानी पीने के पानी की भी व्यवस्था है, लेकिन गर्मी काफ़ी है और पसीने से लथपथ हैं शिक्षक। हम थोड़ा बात भी करेंगे। क्या नाम हुआ? राकेश रंजन। यहाँ पे आप शिक्षक हैं? हाँ शिक्षक हैं। गर्मी काफ़ी है, बच्चों के लिए तो स्कूल बंद कर दिया गया लेकिन शिक्षकों को आना है, आप लोग आए हुए हैं, पसीना से लथपथ? नहीं आना तो है ही, लेकिन केवल ये गुजारिश होगा सरकार से कि डिपार्टमेंट से अगर थोड़ा सा हम लोग पे भी मर्सी करके थोड़ा समय कटौती किया जाए तो हम लोग के लिए बेहतर रहेगा। जेके पाठक आदेश ये है कि 6 बजे से 1:30 बजे तक आप लोग को स्कूल में रहना है, तो आप लोग चाहते हैं कि इसमें थोड़ा कटौती की जाए ताकि गर्मी से राहत? हाँ थोड़ी सी राहत मिल जाए, थोड़ा पहले अगर हम लोग छुट्टी मिल जाए तो सब लोग घर पहुँच जाए। और शिक्षक हैं यहाँ पर, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर? योगेंद्र कुमार। गर्मी काफ़ी है, बच्चों के लिए तो बंद है लेकिन आप लोग के लिए खुला हुआ स्कूल आए हुए हैं। अब सरकारी नियम के तहत हम लोग तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोग भी आदमी हैं, शिक्षक हैं, तो ज़्यादा मन लगता कि हम लोग को कुछ टाइम का कुछ प्रिफ्रेंस रहता है, जैसे 7 है, 7 से 10 है, 11 है, और 11 बजे तक भी है, वैसे बच्चे रहते हैं तो काम काफ़ी रहता है। तो हम लोग को केवल डाटा एंट्री करना है, 3-4 घंटा हम लोग काम कर लेते हैं तो सफिशियंट है, वो सब काम हम लोगों का हो जाता है। आप लोग चाहते हैं कि जो 6 से 1:30 बजे तक आप लोग को स्कूल में रहना, इसमें समय में कटौती की जाए? हाँ कुछ अगर जो किया जाए संभव हो विभाग के माध्यम से तो बहुत यह रहता हम लोगों के लिए भी। यहाँ पर पंखे की तो व्यवस्था है लेकिन गर्मी काफ़ी है, इससे भी राहत जो है वो नहीं मिल रही है शिक्षकों को। और भी यहाँ मैडम हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हम इस वक्त आदर्श कन्या मध्य विद्यालय यारपुर में है, उसके परिसर में यहाँ मैडम है, पूछते हैं पहले क्या क्या काम कर रही है मैम? बगल वाले जो है मिशन दक्ष वाले का कॉपी जांच रहे हैं। कॉपी जांचने को ही आप लोग को कहा गया है 6 से 1:30 तक? नहीं छाओ, अब जो समझिए आप लोग। अच्छा नाम क्या है? सुनीता कुमारी। बच्चों के लिए स्कूल बंद है, आप लोगों के लिए खुला हुआ है, गर्मी काफी है, कई बच्चे बेहोश हो रहे थे, तबियत भी गिर रही थी, तब ये निर्णय लिया गया, लेकिन शिक्षकों के लिए खुला हुआ है तो हम लोग क्या करें? सरकार से बंधे हुए हैं, नियम से बंधे हुए हैं और सरकार से भी बंधे हुए हैं, तो क्या करें? आना है। आपके जो साथ के लोग हैं वो लोग मांग कर रहे हैं कि समय में कटौती की जाए। हाँ अगर मिल जाए तो बहुत खुशी की बात।